Hello and welcome students, welcome to our EVS session and today is our day 2 of part 2 of our EVS lecture. So students, in previous lecture we learned or we studied a map. Now today we are going to start our topic. So let's start students, take pencil in your hand, underline the hard words. Take out page number 38 and look at the page number. So here, agriculture is the main occupation in all parts of our country. Agriculture, खेती, ये हमारा क्या है? Main occupation है हमारे country में, सारे region में, all parts मतलब सारे region में, जो हमारे country में agriculture ये main occupation है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? Agriculture करते हैं. It is mainly dependent on rainfall. और ये agriculture जो है, ये occupation जो है, ये किस पर डिपेंड है? ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल पर, मतलब बारिश के ऊपर, बारिश पर ये ऑक्यूपेशन डिपेंड है. द रेनफॉल रिसीव इन ऑल रीजन्स इज़ नॉट द सेम. और जो रेनफॉल होता है, मतलब जो बारिश होती है, वो सारे रीजन में सेम नहीं होती है. जैसे कि साउथ में पहले बारिश होती है, हमारे यहाँ पर थोड़ा लेट होता है. या फिर कोकण में ज़्यादा बारिश होती है तो राजस्थान साइड में क्या होता है स्टूडेंट्स, बारिश बहुत कम देखने मिलती है. तो क्या है स्टूडेंट्स, सारे रीजन में, कंट्री में, सारे रीजन में सेम तरह की बारिश नहीं होती है. इन रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल क्रॉप्स सच एज राइस, कोकोनट, रागी एंड वरई आर ग्रोन. एंड देखो, जहाँ पर हाई रेनफॉल मतलब ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं? राइस, कोकोनट, चावल, कोकोनट मतलब यही नारियल, रागी एंड वरई आर ग्रोन. वीट, तूर एंड सोयाबीन आर ग्रोन इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल. और जहाँ कम बारिश होती है, वहाँ पर वीट, तूर और सोयाबीन ये क्रॉप्स ग्रो होते हैं. एंड देन नेक्स्ट इज जवार, बाजरा एंड मठ बीन्स आर ग्रोन इन रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल. और जहाँ कम बारिश होती है, वहाँ पर जवार, बाजरा, मठ, है ना, जो आप मठ खाते हो ना, उसल, उसे बोलते हैं मठ. तो वो कहाँ पर ग्रो होते हैं? जहाँ पर बारिश कम होती है. देन टू हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो वेल, गुड सीड्स, फर्टाइल सॉइल, सफिशियंट सनलाइट एंड वाटर आर नीडेड. देखो स्टूडेंट्स, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, अगर जो भी सीड्स है उसको पूरी तरह, जो भी क्रॉप है उसको पूरी तरह ग्रो होने में क्या लगता है? सफिशियंट मतलब पूरी तरह से अच्छे सीड्स डालोगे तो अच्छे क्रॉप्स आएंगे. फर्टाइल सॉइल होगी तो उस क्रॉप को अच्छे से, जो भी सॉइल में से मिलना चाहिए वो अच्छे से मिलेगा. देन सफिशियंट सनलाइट चाहिए, अच्छी तरह से सनलाइट चाहिए और पानी चाहिए टाइम टू टाइम, तो वो क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो होगा. अकॉर्डिंग टू द सीजन्स वराइटी ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन आवर कंट्री. और सीजन के अनुसार, है ना, अलग अलग ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारे कंट्री में ग्रो होते हैं सीजन के अनुसार. मतलब देखो स्टूडेंट्स, गर्मी में आपको क्या देखने मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा मैंगो, वाटरमेलन, है ना, तो ये सारे सीजन वाइज फ्रूट्स होते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज ट्राई दिस, आपको ये ट्राई करना है. देखते हैं क्या है अभी स्टूडेंट्स. विजिट द लोकल फ्रूट सेलर्स, नोट डाउन द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स सोल्ड इन द शॉप्स, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स विद देम. आपको एक लोकल सेलर मतलब आपके घर के पास या फिर कहीं एक फ्रूट वाला होगा, फ्रूट वाले के पास आपको जाना है जो फ्रूट बेचता है, और उसके साथ कुछ पॉइंट्स दिए वो डिस्कस करना है, कुछ क्वेश्चन है आपको उन्हें पूछना है. सो फर्स्ट इज विच फ्रूट्स आर सोल्ड ऑल ईयर अराउंड, मतलब साल भर, पूरे साल कौन से फ्रूट्स सोल्ड होते हैं? तो पूरे साल भर में हमें क्या देखने मिलता है? एप्पल्स एंड बनाना और एप्पल्स हम पूरे साल फ्रूट्स खाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में क्या हमें नहीं मिलता है, कौन सा फ्रूट अवेलेबल नहीं होता है रेनी सीजन में? वाटरमेलन अवेलेबल नहीं होता है. देन थर्ड इज विच फ्रूट्स आर सोल्ड इन समर, समर में कौन से फ्रूट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स? मैंने अभी बताया मैंगो, देन वाटरमेलन, ये हमें समर में खाने मिलते हैं. इन विच सीजन्स आर फ्रूट्स अवेलेबल इन प्लेंटी, मतलब कौन से सीजन में, मतलब विच सीजन आर फ्रूट्स अवेलेबल इन प्लेंटी.
फोर्थ क्वेश्चन, इन विच सीजन आर फ्रूट्स अवेलेबल इन प्लेंटी। इन प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो कौन से सीजन में ज़्यादा फ्रूट्स खाने मिलते हैं हमें? सो इट इज़ विंटर सीजन। विंटर सीजन में बहुत सारे फ्रूट्स हमें खाने मिलते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन विच सीजन डू वी गेट फीवर, फीवर फ्रूट्स, फीवर फ्रूट्स मतलब आलू बुखारा, है ना? तो वो आलू बुखारा जो है वो कौन से सीजन में अवेलेबल होता है? स्टूडेंट्स, आप अगर अभी भी देखोगे, ये रेनी सीजन चल रहा है, तो रेनी सीजन में आलू बुखारा, ये जो फ्रूट है, ये अवेलेबल होता है। तो क्या है स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी है या फिर ट्राई करना है आपको? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको अभी वीडियो में मिल गए हैं। देन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रूट्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द सीजन। डिफरेंट फ्रूट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन। देखो फ्रूट्स कब अवेलेबल होते हैं, उनके सीजन के अनुसार, जैसा सीजन वैसा फ्रूट। और अलग अलग सीजन होते हैं तो अलग अलग फ्रूट्स भी हमें खाने मिलते हैं। जैसे समर में वाटरमेलन, मैंगो, देन अभी क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, यस रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में आपको क्या, और अभी आप बाहर देखोगे फ्रूट्स वालों के पास, तो एप्पल भी दिखेंगे आपको। देन यस, ये जो होते हैं नाशपति, पियर भी बोलते हैं हम उसे, वो पियर भी देखने मिलेंगे आपको, आलू बुखारा देखने मिलेंगे। तो जैसे डिफरेंट सीजन होंगे वैसे डिफरेंट फ्रूट्स होंगे। नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर, लुक एट द फ्रूट्स इन द पिक्चर। देखो पिक्चर में फ्रूट्स दिख रहे हैं आपको, यस yes, तो क्या है, देखते हैं आगे क्या करना है आपको उनका। मेक अ टेबल एज शोन बिलो ऑफ द फ्रूट्स दैट आर अवेलेबल इन ईच सीजन। आपको क्या करना है, नीचे जैसे टेबल बताया है वैसे टेबल आपको बनाना है। देन इंक्लूड द नेम्स ऑफ फ्रूट्स यू नो व्हेन इफ दे आर नॉट शोन इन द पिक्चर। इंक्लूड द नेम ऑफ फ्रूट्स यू नो इवन इफ दे आर नॉट शोन इन पिक्चर। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मेक अ टेबल, आपको एक टेबल बनाना है जैसे नीचे दिया गया है, ऑफ फ्रूट्स एंड आर अवेल, कौन से सीजन में कौन सा फ्रूट अवेलेबल होता है वो आपको इस टेबल में लिखना है। और इस पिक्चर में अगर कोई फ्रूट दिया नहीं तो आप एक्स्ट्रा इसका नेम इस टेबल में लिख सकते हो। तो देखो स्टूडेंट्स क्या है अभी यहाँ पर, यस इट इज़, ये जैक फ्रूट है, फनस, ये समर सीजन में अवेलेबल होता है। मैंगो भी समर सीजन में अवेलेबल होता है। चीकू कब अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स, यस ये भी ज़्यादातर समर सीजन में या फिर देन ये क्या है, यस yes, ये ग्वावा लग रहा है स्टूडेंट्स, तो ये ग्वावा पेरू, ये विंटर सीजन में अवेलेबल होता है। देन एप्पल तो सारे सीजन में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा विंटर सीजन में अवेलेबल होता है। देन ग्रेप्स है, वाटरमेलन कब अवेलेबल होता है, ये समर सीजन में अवेलेबल होता है। और ये जो है जामुन, ये भी समर सीजन में अवेलेबल होता है। और ये स्ट्रॉबेरी विंटर सीजन में अवेलेबल होती है। तो इस तरह से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये सारे क्लासिफाई करने हैं, अलग अलग करने हैं और इस टेबल में राइट डाउन करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द सॉल्यूशन। देखो क्या है सॉल्यूशन, इरफान एंड सुप्रिया बॉट पोटैटोज। इरफान और सुप्रिया ने क्या किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोटैटोज आलू है ना, आलू लाए हैं। Because they were very cheap. Cheap मतलब बहुत सस्ते थे, बाजार में गए दोनों, सस्ते आलू मिले इसलिए वो घर पर लेके आए। But they are tired of eating potatoes भाजी, लेकिन वो रोज़ है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, एक कोई सीजन में अगर सब्जी सस्ती मिल रही है तो हमारी मम्मी भी क्या करती है, दो तीन दिन बाद वही सब्जी घर पर बनाती है। तो वैसे ही इनका हो गया, पोटैटो क्या हुआ है, वो पोटैटो की सब्जी खा कर बोर हो गए हैं। सजेस्ट डिफरेंट प्रिपरेशन ऑफ पोटैटोज टू देम। तो आपको सजेस्ट करना है कि पोटैटो से और क्या क्या बनता है, क्या क्या बनता है स्टूडेंट्स पोटैटो से। पोटैटो क्या करते हैं, यस पोटैटो के पराठे भी बनते हैं, आलू के पराठे, देन पोटैटो से चिप्स भी बनते हैं। और सबसे फेवरेट आइटम जो होता है सारे बच्चों का वो होता है फ्रेंच फ्राइज, है ना, तो वो भी पोटैटो से बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें पोटैटो से बनती हैं। नाउ कैन यू टेल स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर क्या दिया है अभी आपको, द मैप गिवन बिलो, द मैप गिवन बिलो डिपिक्स फेमस फूड आइटम्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड इट्स एडजॉइनिंग स्टेट्स, स्टडी द मैप एंड कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको एक मैप दिया है और मैप में
महाराष्ट्र में जितने भी स्टेट्स है उनके फेमस फूड आइटम्स दिए हैं, वो आपको स्टडी करना है और कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आपको यहाँ पर देने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम ये हमारा टॉपिक एंड करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपको इसे क्या करना है सुनना है। सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड अवर सेशन हियर, वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।